सब्सक्राइब करें इंफॉर्मेशन हब यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन हब यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान ने अमेरिका को भिखारी बनाने का फैसला कर लिया। चीन के साथ तिजारत के लिए युआन इस्तेमाल करने की पाकिस्तान भर में इजाज़त दे दी। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक ने कहा है कि पाकिस्तानी और चीन बाहम तिजारत और सरमायाकारी के लिए चीन की करेंसी युआन इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि माली और करेंसी मार्केटों के पुलिस सास इदारे की हैसियत से स्टेट बैंक ने चीनी करेंसी युआन में बरामदात और माली लेन देन को यकीनी बनाने के लिए जामे पॉलिसी इकदाम किए हैं। बयान में कहा गया है कि ज़रे मुबादला के मौजूद ज़वाबित के तहत चीनी करेंसी युआन पाकिस्तान में बैरूनी लेन देन के लिए मंसूर शुदा करेंसी है। स्टेट बैंक पहले ही मतलूबा ज़वाबती फ्रेमवर्क नाफिज कर चुका है, जिसके तहत तिजारत और सरमायाकारी से मुतालिक लेन देन में युआन के इस्तेमाल में सहूलत दे दी गई है। पाकिस्तान के मरकजी बैंक का कहना है कि चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के साथ करेंसी तब्दील करने के मुआहदे के बाद चीन के साथ दो तरफा तिजारत सरमायाकारी में युआन को फ़रोग देने के लिए मुतअद्दिद इकदाम किए गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।